हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना, जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित एट मैन। सो गाइज, अभी हम लोग कवर करेंगे जो NBA का मैच होने वाला है, डालास मैवरिक्स वर्सेस सैक्रामेंटो किंग्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे YouTube के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और राइट साइड में दिए हुए जो बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हो तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है? क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होंगे लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो वो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए सीधा बात करते हैं मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो डालास मैवरिक्स का मैच हुआ था, आज ही मैच हुआ था टीम का ये, ठीक है? आज मतलब अगर USA के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये मैच कल हुआ था, ठीक है? तो 106-75 से लॉस किया था डालास मैवरिक्स ने लास्ट का मैच। स्टार्टिंग लाइनअप में थे लुका डोंचिच, फिनी स्मिथ, रेजी बुलक, टीम हार्डवे जूनियर और पॉवेल। डोंचिच का परफॉर्मेंस था 26 मिनट में 16.6 रिबाउंड 4 असिस्ट 2 स्टील। फिनी स्मिथ 24 मिनट में 2.1 रिबाउंड 1 स्टील। बुलक 22 मिनट में 5 पॉइंट्स 2 रिबाउंड। हार्डवे जूनियर 21 मिनट में 3.3 रिबाउंड 2 असिस्ट 2 स्टील। पॉवेल 19 मिनट में 8 पॉइंट्स 2 रिबाउंड। बाद में बेंच से खेलते क्लेबर 23 मिनट में 7 पॉइंट्स 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक। निंटिल का 19 मिनट में 7.1 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक 2 स्टील। ब्रंसन 19 मिनट में 4.3 रिबाउंड 3 असिस्ट। ग्रीन 17 मिनट में 7 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक। ट्रे बर्क्स 16 मिनट में 11 पॉइंट्स 1 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 स्टील। विली कॉटलिस्टाइन 13 मिनट में 4 पॉइंट्स 1 रिबाउंड। बाद में इमू मुमराई 9 मिनट में 6.3 रिबाउंड 1 असिस्ट। और लास्ट में थे मोसेस ब्राउन जिसने 9 मिनट में 1.4 रिबाउंड अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया था। अभी हम लोग बात करेंगे सैक्रामेंटो किंग्स की। लास्ट मैच 113-109 से जीती है न्यू ऑरलियंस पेलिकंस के अगेंस्ट। अगर हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग लाइनअप की तो स्टार्टिंग लाइनअप में थे फॉक्स, बार्न्स, होम्स, हालीबर्टन, हार्कलेस। फॉक्स देख सकते हो 37 मिनट में 23.7 रिबाउंड 5 असिस्ट। हैरिसन बार्न 37 मिनट में 18 पॉइंट्स 12 रिबाउंड 2 असिस्ट। होम्स 22 मिनट्स में 21.6 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक। हालीबर्टन 31 मिनट में 17 पॉइंट्स 2 रिबाउंड 8 असिस्ट 1 ब्लॉक। हरकलिस 24 मिनट में 5 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक, ठीक है? बाद में बेंच से खेलते हैं बड़ी हिल 30 मिनट में 20.6 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 स्टील। मिचेल 29 मिनट में 8 पॉइंट्स 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 स्टील। लेंट 16 मिनट में 4 पॉइंट्स 4 रिबाउंड 2 ब्लॉक, ठीक है? और है डेविस 4 मिनट में 2.1 रिबाउंड अपने टीम के लिए उन्होंने स्कोर किया था। तो दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। तो आइए बात करते हैं अभी टीम का जो प्रोबेबल कॉम्बिनेशन होगा हमारा, उसकी तरफ हम लोग अभी ध्यान देंगे। सबसे पहले पॉइंट गार्ड सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया लुका डोंचिच को, मिचेल को, ब्रंसन को, ठीक है? बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया यहाँ से हालीबर्टन और बड़ी हिल्ड को। SF सेक्शन से मैंने यहाँ से पिक किया हैरिसन बार्न को। PF से यानी मैं पिक किया हूँ क्लेबर को। थॉमसन तो लास्ट मैच खेले नहीं थे, पोर्टन की लास्ट का मैच नहीं खेलेंगे, बैगली भी नहीं खेले थे लास्ट का मैच, इवन मेटू भी। तो यहाँ से आपके लिए ये एक ही ऑप्शन अवेलेबल है क्लेबर। सेंटर से मैंने पिक किया होम्स को, ठीक है? तो ये गाइस सेफ और डिफॉल्ट टीम है। अगर PP के ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सेफ आपका SP रहने वाला है लुका डोंचिच, PP के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है हैरिसन बार्न और सेकेंड ऑप्शन रहेगा रेजी होम्स, ठीक है? अगर आप अपने टीम में फॉक्स को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो अभी आपको मैं चेंजेस बता देता हूँ। यहाँ से आपको हिल की प्लेस पे अगर आप फिनी स्मिथ को ले रहे हो तो यहाँ आपके पास फॉक्स आराम से आ जाएगा। तो ये टीम से साथ अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको PP फॉक्स को भी करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो फॉक्स है और हैरिसन बार्न है ऑलमोस्ट सेम पॉइंट देते हैं, कोई ना कोई ऊपर नीचे पॉइंट देगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको फॉक्स के साथ जाना है या आपको यहाँ से बार्न्स के साथ जाना है। जो बार्न्स के साथ आपको यहाँ से मिलेगा बड़ी हिल या फिर फॉक्स प्लस डी फिनी स्मिथ, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं सेफ कॉम्बिनेशन को प्रेफर करूँगा मेरी टीम में। अगर आपको फॉक्स को अपने टीम में लेना है तो आप अपने टीम में ज़रूर पिक कर सकते हो। तो ये होने वाला है मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। PP के लिए आपके पास दो ऑप्शन बताया मैंने, हैरिसन बार्न्स, सेकेंड है रेजी होम्स। तो ये कुछ होने वाला टीम का प्रीव। लाइनअप पे कुछ चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उस अकॉर्डिंग आप अपने फाइनल टीम में चेंजेस कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।